हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। यूनिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी का लेक्चर 7। ठीक है, ये वोकेबलरी SSC CHSL CGL MTS और जेल पहरी एग्ज़ाम के लिए डाली जा रही है। ठीक है, हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो बन रहे हैं, तो आप लोग चैनल को देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कॉन्फर। कॉन्फर का मतलब होता है बातचीत करना, तो इसके लिए कीवर्ड क्या बनाया गया है, कौन फौरन आएगा जाएगा, इस पर बातचीत हो रही है। कौन फौरन से याद क्या रखना है आपको, कॉन्फर, और इसका अर्थ क्या होगा, बातचीत करना। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, डिस्कस, डिस्कस यानी इस चीज़ पर वार्ता चल रही है, या डिलीवरेट, दोनों का मतलब यही होता है, बातचीत करना। अगले देखते हैं कन्विंस। कन्विंस मतलब होता है किसी को राजी करना या किसी को मना लेना या समझा लेना, तो इसके लिए कीवर्ड की क्या देखी, कौन वंश को आगे बढ़ाएगा, मतलब कौन वंश आगे बढ़ाने को राजी हुआ, तो कौन वंश क्या होगा इसका, कन्विंस, और राजी हुआ इसका क्या होगा, अर्थ। सिनोनिम क्या होंगे, परसुएड। परसुएड मींस भी क्या होता है, किसी को मना लेना, या प्रवेल, जो मान जाए। ठीक है, अगला देखते हैं परसिस्ट। परसिस्ट मतलब बना है परसिस्टेंस से, है ना। परसिस्टेंट मींस क्या होता है, एकाग्रता, या जो बिल्कुल लगनशील हो, तो परसिस्ट का मतलब क्या होता है, डटे रहना। कीवर्ड देखते हैं, पर्सन जो शिष्ट है, पर्सन जो शिष्ट है, एक मिनट, पर्सन जो शिष्ट है तो वह क्या करेगा, वह अपने काम में डटा रहेगा, तो पर्सन जो शिष्ट से बनेगा परसिस्ट, और डटा रहना यानी कि इसका अर्थ हो गया। सिनोनिम्स क्या होंगे, कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स क्या होता है, लगातार, और रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मीन्स भी होता है दृढ़, ठीक है ना, जो बिल्कुल कंटिन्यू, एकाग्र, लगनशील। ठीक है, अगला देखते हैं एटोन। एटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना क्या होता है, मतलब किसी ने अगर कोई गलती की और वो अपने प्रायश्चित करना चाहता है, वो होता है एटोन। तो इसके लिए कीवर्ड क्या है, ऑटो वाले ने पहले टोन मारा और फिर प्रायश्चित की। ठीक है, तो मतलब पहले गलती की उसने और फिर क्या कर रहा है, प्रायश्चित, तो ये प्रायश्चित करना हो गया उसका अर्थ, और ऑटो टोन क्या हो गया उसका मीनिंग, एटोन। सिनोनिम्स क्या होंगे, कंपेंसेट। कंपेंसेट का अर्थ होता है भरपाई करना, यानी किसी ने कोई गलती की तो फिर उसकी वो क्या करेगा, भरपाई करेगा। रिडीम, रिडीम का अर्थ भी यही होता है, रिडीम मीन्स होता है जो मुफ्त में मिले किसी को। ठीक है, अगला देखते हैं फोएबल। फोएबल का वर्ड है जिसका अर्थ होता है असफल होना, तो इसके लिए की क्या है, फाइट करने का विल, जिसके पास ना हो वह असफल हो जाता है, तो फाइट वल, इससे क्या बनेगा, फोएबल, और इसका अर्थ क्या होगा, असफल। सिनोनिम देखते हैं फेल। फेल का मतलब भी क्या होता है, असफल, यानी जो हार गया हो, और डिफीट, डिफीट मीन्स किसी से हारना, डिफीट खाना। अगला देखते हैं प्लेंटिव। प्लेंटिव मीन्स होता है शोकपूर्ण या दुखपूर्ण। ठीक है, तो इसके लिए की है क्या, हमारे प्लान में टीवी नहीं था इसलिए हम शोकपूर्ण जीवन जी रहे थे। तो शोकपूर्ण जीवन कब जी रहे थे, जब प्लान में टीवी नहीं रहा था, तो प्लान में टीवी से क्या बनेगा, प्लेंटिव, और शोकपूर्ण क्या होगा उसका अर्थ। सिनोनिम्स क्या होंगे, पैथेटिक और डोलेफुल, ये दोनों क्या होंगे उसके सिनोनिम्स। अगला देखते हैं कैजुअल। कैजुअल मीन्स होता है चापलूसी करना, किसी की चापलूसी अपन करते हैं, मतलब कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है, यही होती है चापलूसी करना। तो इसके लिए की क्या है, आप काजोल मैम की चापलूसी कर रहे हैं। काजोल से याद रखना कैजोल को, और चापलूसी करना होगा उसका अर्थ। सिनोनिम्स क्या होंगे, फ्लैटर। फ्लैटर मीन्स भी क्या होता है, किसी की चापलूसी करना, लेओर या फिर फोन। अगला देखते हैं एफ सोल्यूशन। एफ सोल्यूशन मीन्स क्या होता है, किसी से क्षमा मांगना या माफ़ी या मुक्ति, जो भी मिल जाए वो क्या कहलाता है, एफ सोल्यूशन। तो इसके लिए की क्या है, अब यह सोल्यूशन मिला है उसे क्षमा कर दिया जाए। ठीक है ना, मतलब अब यह सोल्यूशन से क्या होगा, एफ सोल्यूशन, और उसे क्षमा करना, तो क्षमा करना क्या हो जाएगा उसका अर्थ। सिनोनिम्स क्या होंगे, फॉरगिवनेस मीन्स क्या होता है, किसी को माफ़ कर देना, रिलीज यानी किसी को रिहा कर देना, है ना, रिलीज का मतलब क्या होता है, मुक्त कर देना, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगला देखते हैं एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है कठोरता, तो इसके लिए की क्या है, एस पर रात में कठोरता की जाती है, ठीक है ना, तो एस पर रात से याद रखोगे कि आप एस्पेरिटी, ठीक है ना, और कठोरता, इसका क्या हो जाएगा, अर्थ।
सिनोनिम्स क्या हैं, हार्शनेस तो इसका मतलब भी कठोर होता है, और बैड टेम्पर यानी किसी से बुरा बर्ताव करना, तो ये क्या कहलाएगा, बैड टेम्पर है ना, बुरी तरह से पेश आना, कठोरता यही होती है। अगला देखते हैं डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है, अपमानित करना, यानी किसी को अपन क्या कर रहे हैं, अपमानित, तो क्या आएगा उसके लिए डेनिग्रेट। की क्या है, फिल्म में डैनी ग्रेट लोगों को हमेशा अपना अपमानित करता है, तो डैनी जो है ग्रेट लोगों कर रहा है, तो डेनिग्रेट क्या हो जाएगा इसमें, बर्ड है ना, और अपमानित करना क्या हो जाएगा उसका अर्थ। सिनोनिम्स बी लिटिल है ना, तो ये भी होता है, और मेलाइन, इन दोनों की अर्थ होता है किसी को नीचा दिखाना या अपमानित करना। तो ये था हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी का लेक्चर 7। आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक अकेडमी।